क्यों दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हमजा और आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है बाइक ठीक कराने के हवाले से। मैंने अपना बाइक ठीक करवाया था और मैं चाह रहा था कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। हर एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं आपके साथ शेयर किया करूं। तो एक मोटर बाइक, यानी कि मेरे पास मोटर बाइक है, 125 है, तो वो मैंने ठीक करवाया और उसमें कुछ चीज़ें ठीक भी हुई और कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई। तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ें ठीक हुई वो भी आपके साथ शेयर किए जाएं और जो चीज़ें ख़राब हुई वो भी चीज़ें जो हैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो आपने लाजमी देखना है और सारी वीडियो एंड तक देखनी है, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं बाकी वीडियो। और दूजे कड़े के अंदर ये कड़े ने समझ आई जी। ठीक है जी, ये जब भाई क्या चीज क्या मसला करे तो क्या होता है भाई, बताना ज़रा ये कैमरे में। नेट जरा चार्ज करे हो। अब बताओ जी भाई, बताओ भाई, इसके बुश डाल रहे हैं ना, बुश टूट गई है। अच्छा, ये झंडा लगता है ना इसका बाइक, नहीं निशानी क्या है कि बुश खराब होने की? जब आप गाड़ी चलाती है ना, गियर लगाते हैं तो टक की अंदर आवाज़ आती है ना उसकी, ठीक है, वो झटका लगता है। पूरी गाड़ी की वाइब्रेशन होती है जब हम रिवर्स भी कर रहे होते हैं बाइक, तो नहीं हर गियर जब निकालते हैं लगाती है तो अंदर से टक की आवाज़ आती है, बुश टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये बुश डालने से ये जो है ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, ये बुश का इशू था और बुश डाल के अभी चैन 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 कवर फिट कर दी है। अब इंजन ऑयल डालना, इंजन ऑयल में डलवा रहा हूँ विक का, क्योंकि मेरे इस जो है पॉकेट मनी इतनी नहीं है कि मैं कोई और ऑयल डलवाऊँ, तो ये विक का ऑयल डलेगा। इसके जो बुश हैं, टायर बुश, वो डल गए। उस्ताद जी, वो बुश मुझे ज़रा कोई दिखा दे, अगर पड़ा हुआ है ना दूसरा वो दिखा दे, एक मंगवा के। तो अभी उन्होंने टेढ़ा किया बाइक और ये अभी ऑयल वगैरह निकाल रहे हैं। इसका पहले अगला इसका वो चेक करना ना, वो है आपके पास क्या बैरिंग? बाइक जो है हो गया, डन हो गया, ओके हो गया। अब जस्ट इसका ये ऑयल डलेगा तो बुश डाल गए। ताजी उससे बुश भी मंगवाना है फिर सैंपल के तौर पे। तो दूसरी आपको दिखाया था खुले। अच्छा, ये सिंपल बुश है, ठीक है, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं इनके कहने के मुताबिक। और एक बुश ये है, ठीक है, ये थोड़ा सा उससे अब क्वालिटी, ठीक है, और उसके अलावा एक बुश ये है, ये जो है थोड़ा ज़्यादा अच्छा है इनके मुताबिक, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है कि ये डालें, ज़्यादा अर्से के लिए चलता है। ये ऑयल इन्होंने डाल दिया जी जी, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि बुश निकलवाते हुए हब के साइडों पे जो आपकी एक पॉकेट होती है वो पॉकेट ना टूटे, जो ओरिजिनल पॉकेट होती है, ऐसे गोल करके पॉकेट होती है, जिस पॉकेट में ये बुश डलता है वो पॉकेट के साइडों से वो पॉकेट ना टूटे, वो ओरिजिनली होती है, और वो ओरिजिनली रहे तो अच्छी बात है। फिलहाल इसकी टूट चुकी है, बट कोई इशू नहीं है उसके, अगर टूट भी जाए लेकिन एक हद से ज़्यादा टूटे तो फिर वो आपको नहीं डलवानी पड़ती है। ये जो भाई बैठे हैं काम कर रहे हैं, इन्होंने वो तोड़ी है। एनीवे कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं,
क्या कह सकते हैं, थोड़ी सी टूटी है, उसका इतना इशू नहीं है। थोड़ा सा उसके साइड से वो एक ऐसे यू टाइप से कट है, तो ज़्यादा टूट जाए तो वो इशू कर। अच्छा जी, ये जुगाड़ भाई का जुगाड़, चैन कवर साथ लग रहा था, भाई ने ये तार बांधी है, ठीक है, ये वाली तार बांधी है, इसकी वजह से अब टायर साइड चैन कवर नहीं लगेगा, आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। और भाई काफ़ी गुस्से में है और गुस्से से जो है अब काम कर रहे हैं।